दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर के इलाज के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि कैंसर का इलाज तो सालों से ढूंढा ही जा रहा है, लेकिन उसका इलाज करने वाली दवा अभी तक बनी नहीं है। हाँ, इंसानों ने उसे काबू में रखने के कुछ उपाय बना लिए, जैसे सर्जरी, रेडिएशन या केमोथेरेपी। लेकिन दोस्तों, 19वीं सदी में कैंसर की गांठ के ऑपरेशन शुरू करने के बाद विज्ञानियों को यह पता चला कि कुछ किरणों से भी कैंसर के कोष को मारा जा सकता है, जिसमें एक्सरेज और गामा रेज शामिल हैं। लेकिन 20वीं सदी में उन्हें इसका एहसास हो गया कि सर्जरी या रेडिएशन सभी तरह के कैंसर में कारगर नहीं है। कैंसर होने वाली जगह पर एक गांठ बन जाती है। गांठ का इलाज करने से पहले ही कुछ कोष शरीर में अन्य जगह पर फैल चुके होते हैं, जहां जाकर वो दूसरी गांठ बना देते हैं। अब इसके इलाज के लिए एक केमिकल का उपयोग किया जाता है, पर ये इलाज भी पूरी तरह सफल नहीं है। कैसे, वो मैं आपको किसी वीडियो में बताकर दिखा दूंगा। तो अब बात करते हैं इस दवाई की। दोस्तों, नीदरलैंड की कंपनी फिलिप्स, आप जानते होंगे इस कंपनी के बारे में, इसने इसका इलाज बना लिया है। शरीर के दूसरे कोषों के अलावा सिर्फ कैंसर के कोष पर ही केमोथेरेपी की दवा का उपयोग कैसे करना है, उसके लिए एक कैप्सूल बनाई है, जिसका नाम उन्होंने आई पील रखा है। देखिए दोस्तों, डायग्राम में दिखाया हुआ है कि इस कैप्सूल में छोटी सी बैटरी, माइक्रोचिप, थर्मोमीटर, रेडियो ट्रांसमीटर और दवाई का चेंबर वगैरह वगैरह, दवाई रखने वाला पंप भी है और सेंसर भी है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इस एक ही दवाई के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिकों ने ये सब चीजें एक 26x11 मिलीमीटर की कैप्सूल में ही डाल दी। अब ये कैप्सूल असल में सिर्फ पाचन तंत्र के कैंसर में ही काम आता है। लेकिन कैसे? देखिए, जिसको पाचन तंत्र में कैंसर है, वो जब इस कैप्सूल को खाने वाला होता है, उससे पहले डॉक्टर इस गोली में गांठ की जगह कहां है वो डेटा डाल देता है। ठीक है, अब ये कैप्सूल वाटरप्रूफ बनी हुई होती है, तो अब इसको जब शरीर में डालना होता है, उससे पहले डॉक्टर उसका रेडियो ट्रांसमीटर ऑन कर देता है। ठीक है, इससे उसको पता चल जाता है कि कैप्सूल शरीर में किस जगह पर पहुंच चुकी है। अब वो देख लेता है कि कैप्सूल कहाँ कहाँ जा रही है। वो आपके साथ सिग्नल्स चालू ही रहते हैं जब तक कैप्सूल आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जब वो कैप्सूल कैंसर की गांठ पर पहुंच जाती है, तब वैज्ञानिक अपने रिमोट कंट्रोल से कैप्सूल का पंप ऑन कर देते हैं। ठीक है, और ऑन करने की वजह से उसके अंदर जो दवाई भरी हुई होती है वो उसके बाहर निकल जाती है और सिर्फ उसी जगह पर पहुंचती है जहां इलाज करना है। और उस जगह पर वो दवा पहुंचती है तो वो कोषों को वहीं पर जला देती है, और इससे बाकी सारे कोषों को उस दवाई का असर झेलना नहीं पड़ता। अब ये हो गया उसका इलाज। लेकिन ये कैप्सूल किस तरह के मेटल की बनी है, तो वो पेट पचा तो नहीं सकता है। तो दवाई की डिलीवरी के बाद ये आई पिल किसी काम की नहीं रहती, तो इसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये वैसे ही निकल जाती है उत्सर्जन के रास्ते। तो दोस्तों, बस ये छोटा सा एक डेटा था कि कैंसर का इलाज इस तरह भी अब होने वाला है। इस दवा का एक्सपेरिमेंट तो फिलहाल वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ों पर कर रहे हैं, बहुत सारे जानवर, अलग अलग प्राणियों पर कर रहे हैं। देखते हैं, अगर ये प्रयोग सफल हुए तो कुछ ही दिन में ये दवा दर्दियों के लिए बाजार में मिलने लगेगी, और जिसको पाचन तंत्र का कैंसर है उसके लिए काफ़ी फायदा होगा। मतलब कि उसका सिर्फ इलाज का तरीका बदला और बाकी तो कोई उससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, आसान हो गया थोड़ा सा, रेडिएशन से या कुछ नहीं देना पड़ेगा और इलाज का तरीका बदल गया। बाकी दूसरी तरह से तो कैंसर का इलाज इम्पॉसिबल ही है। हाँ, कि सिर्फ केमोथेरेपी या रेडिएशन या सर्जरी वगैरह से उसे काबू में किया जा सकता है, बाकी कैंसर को मिटाया तो नहीं जा सकता।